देखिए काराकाट लोकसभा क्षेत्र से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह 45,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अभी हमारे हाथ में फोन है और आप लोगों को लाइव दिखाएंगे कि भोजपुरी के दिग्गज स्टार पावर स्टार पवन सिंह आखिर में कितने वोटों से पीछे चल रहे हैं। काराकाट काउंटिंग बूथ पे तमाम मीडिया बंधु जैसे हैं, लाइव हम बातें कर रहे हैं और अपडेट जानने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में पावर स्टार पवन सिंह से रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है। अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि पवन सिंह आखिर में कितने वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो 43,249 वोटों से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह पीछे चल रहे हैं। अगर बात किया जाए राजाराम सिंह कुशवाहा को तो 2,92,070 वोट टोटल अभी काउंटिंग हुआ है। वहीं अगर बात किया जाए तो राजाराम सिंह कुशवाहा 37,888 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की बात किया जाए तो 91,382 टोटल वोटिंग का काउंटिंग हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, एनडीए प्रत्याशी और 37,888 वोटों से उपेंद्र कुशवाहा पीछे चल रहे हैं। अगर वही बात किया जाए भोजपुरी का पावर स्टार दिग्गज स्टार पवन सिंह के तो 43,249 वोटों से निर्दलीय काराकाट लोकसभा प्रत्याशी पावर स्टार पवन सिंह पीछे चल रहे हैं। जब से पवन सिंह चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे तब से काराकाट लोकसभा क्षेत्र हॉट सीट बन गया है और आप लोग को काराकाट लोकसभा क्षेत्र से लाइव दिखाएंगे कि आखिर में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह कितने वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए अभी हमारे हाथ में फोन है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट ओपन किया है और आप लोग भी इस वेबसाइट से आसानी से किसी भी लोकसभा क्षेत्र से कोई भी कैंडिडेट का वोट देख सकते हैं कि किस कैंडिडेट का कितना वोट पड़ा है, कौन सा कैंडिडेट कितने वोटों से आगे चल रहा है, कौन सा कैंडिडेट कितने वोटों से पीछे चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे पवन सिंह के समर्थन में तमाम ऐसे दिग्गज भोजपुरी के स्टार हैं जो उतरे हुए थे और उतरना भी चाहिए पवन सिंह के समर्थन में। लेकिन अगर बात किया जाए एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में तमाम दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री मनीष कश्यप और मनोज तिवारी, ऐसे ऐसे दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में उतरे थे। वही अगर बात किया जाए तो पवन सिंह को अपने पार्टी से बीजेपी निष्कासित भी कर दिया था। देखिए 2,92,070 वोटों से राजाराम सिंह कुशवाहा अभी भी आगे चल रहे हैं और लगातार काराकाट लोकसभा क्षेत्र से काउंटिंग बूथ से मीडिया बंधु से हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पावर स्टार पवन सिंह से रिलेटेड अपडेट है और जो भी अपडेट है आप लोगों को देते रहेंगे। ये देखिए 13 कैंडिडेट काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वही बात किया जाए तो 2 कैंडिडेट पार्टी से हैं और 11 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है यानी निर्दलीय है, उसी में से एक पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और आज काउंटिंग है 4 जून। इसी तारीख को सारे भारतवासियों को इंतजार था और तमाम ऐसे बिहार के सीटें हैं जो हॉट सीट बन गया था। वही बिहार में एक ऐसा सीट जो काफ़ी चर्चा में रहा और हॉट सीटों में से सबसे बड़ा हॉट सीट माना गया काराकाट लोकसभा क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे अभी भी पवन सिंह 45,673 वोटों से पीछे चल रहा है। ये देखिए पवन सिंह 45,673 वोटों से पीछे चल रहा है। वही अगर बात किया जाए तो राजाराम सिंह कुशवाहा 1,32,712 वोट यानी 39,106 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की बात किया जाए तो 39,106 वोटों से पीछे चल रहे हैं और टोटल वोट 93,606 मिला हुआ है। पवन सिंह 45,673 वोटों से अभी भी पीछे चल रहे हैं। तो तमाम ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं, आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे और काराकाट लोकसभा क्षेत्र से काउंटिंग बूथ से लगातार मीडिया बंधु से हम बात कर रहे हैं कि पवन सिंह से रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है और जो भी अपडेट है आप लोगों को देंगे, लाइव अपडेट देंगे। देखिए भाई कोई फेक नहीं है, कोई एडिट नहीं है, कोई बने बनाई नहीं है। देखते रहिए मंजीत मिश्रा, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।